आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, ये हो रणदीप हुड्डा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो एफआईआर दर्ज करके हो चाहे कुछ भी हो। अगर पुलिस हमें अंदर करती है तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह से तानाशाही हरियाणा में हो रही है। गुड़गांव में सेक्टर 37 थाना हरियाणा, हम लोग गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए हैं। रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे कानूनों के पालना की जा रही है, ये नहीं कि पालना की नहीं की जा रही है। और आप देख लीजिए सबके नाम नोट डाउन करके, जो है भीम सैनिकों के ऊपर इस तरह का काम किया जाने की कोशिश की जा रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए या तो आप यहाँ से चले जाएं। आप खुद देख लीजिए, हम लोग तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं, चढ़ा दो। हम तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं, चढ़ा दो, हम चढ़ जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें कोई गाली दे, अश्लीलता करे, बहन मायावती जी के साथ की और वैसे मंचों पर गाली देते हैं, बॉलीवुड में गाली दी जा रही है, आप खुद समझदार हैं कि आखिर देश में कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। बीमार होने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से न्याय की मांग उठा रहा हूँ। न्याय की मांग उठाते हुए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं रणदीप हुड्डा के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन नहीं, तानाशाही, खुली तानाशाही चल रही है, लेकिन हम इस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये ध्यान रखा जाए। पे चढ़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय भीम।